नमस्कार मंजू रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं सेवई बनाने जा रही हूँ। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो सेवई बहुत झटपट बन जाती है और खाने में भी सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए अब हम सेवई बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पतला वाला सेवई को लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसे हम छोटा छोटा पीस में पहले हम तोड़ लेते हैं। सभी सेवैयाँ को अच्छी तरह से छोटा छोटा पीस में तोड़ लेते हैं। इधर गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में एक छोटा चम्मच घी को डाल दिए हैं। घी में ही सेवई को भूंजिए तो ज़्यादा अच्छा टेस्टी सेवई बनता है। और इधर हम लगभग आधा केजी दूध को बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम सेवैया को डाल देते हैं और गैस का फ्लेम को लो करके इसे हमें अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है। इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से सेवई को भून लिए हैं। सेवई का कलर यही होना चाहिए। अब हम दूध को इस ओर कर लिए हैं। दूध में अच्छी उबाल भी आ गया है और थोड़ा दूध गाढ़ा भी हो गया है। इसके लिए हमने फुल क्रीम दूध लगभग आधा केजी लिए थे। अब इसमें हम कुटा हुआ इलायची पाउडर को डाल देते हैं। साथ में थोड़ा सा किशमिश और थोड़ा सा काजू बादाम, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप डाल सकते हैं या सिर्फ इलायची पाउडर डालकर भी बना सकते हैं। अब इसमें हम भुना हुआ सेवई को डाल देते हैं। और इसे हम गैस का फ्लेम को लो मीडियम करते हुए लगभग 4-5 मिनट तक पका लेते हैं। लगभग 5 मिनट तक इसे हम लगातार चलाते हुए सेवई थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच कस्टर्ड पाउडर को दूध में इस तरह से घोल लिए हैं और उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। इससे कस्टर्ड का कलर, इससे सेवई का कलर ज़्यादा अच्छा हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगने लगेगा। अब इसमें हम चीनी को डाल देते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और चीनी को भी घुलने तक इसे हम पका लेते हैं। सेवई बनकर के तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद सर्व कर लेते हैं। सेवई ठंडा हो गया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।